नहीं है, लेकिन बहुत चीजें होती हैं कि रोड पे अगर आप किसी को कह दें कि जिनको आप जान रहे होते हैं, जो कि गोरखपुर पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब गत दिनों सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर दो सुपारी से लदे ट्रकों को लुटेरों ने लूट लिया था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए दोनों शातिर लुटेरे, जिनके नाम वीरेंद्र यादव और अशोक शर्मा हैं, जो पुलिस के गिरफ्त में हैं, और उनके पास से 16 टन सुपारी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 48 लाख रुपए है, बरामद हुई है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने दी, जिसमें उनके साथ सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव ने बताया, जो गिरफ्तार हुआ है उसमें वीरेंद्र यादव और अशोक शर्मा है, और एक जो बाघा है वो आगमपुर प्रधान है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है उसका, और वो लूट के मामले में वो जेल जा चुका है। सर, इसमें कुल कितने लोग इस लूट कांड में शामिल थे और अब तक कितने की टोटल गिरफ्तारी हुई है? अभी तो आपके सामने देख रहे हैं, दो ये गिरफ्तारी हुई है और इसके पहले भी दो गिरफ्तारी हुई, और इस गैंग में भी बहुत लोग हैं। इससे अभी तो तीन नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके हम लोग काम कर रहे हैं जिन पे, और सीजन की गिरफ्तारी की जाए। कितने माल बरामद हुए अभी तक? माल 32 टन माल बरामद हो चुका है, और जो शेष माल है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, वो भी कहीं इसी तरह